यू नो दोस टीचर्स जो आपसे बोलते हैं कि रटो मत, समझने की कोशिश किया करो। आई रियली विश ये टीचर स्टूडेंट्स को ये भी बताते कि कैसे समझकर चीज़ें याद करते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। डोंट स्किप एनी पार्ट बिकॉज आई बेट आपको ये टेक्निक्स किसी और यूट्यूब चैनल, रील या शॉर्ट में देखने को नहीं मिलेगी। सो हियर वी गो। लेट्स टेक दिस पैराग्राफ फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज अ सिंबल ऑफ सॉलिडैरिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ नॉर्मली बच्चे कैसे याद करते हैं? द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। प्रो बच्चे कैसे याद करते हैं? वो उसी सेंटेंस को एक क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। इससे फायदा क्या है? सपोज इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कुछ हाईली ओवर स्मार्ट बच्चे जो बिना पढ़े आए हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑप्शन को टिक कर देंगे, भाई स्टेट है तो चीफ मिनिस्टर ही होगा। एंड दोस्त जो रट के आए हैं वो सोच रहे हैं, यार ये तो मैंने पढ़ा था, अब याद क्यों नहीं आ रहा। बट जो समझ के आए हैं दे विल टिक द राइट ऑप्शन, दैट इज द प्रेसिडेंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये पैराग्राफ बायोलॉजी के एक चैप्टर से लिया गया है एंड इट्स अबाउट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। यू कैन पॉज द वीडियो टू रीड दिस। नाउ इसे ऐसे याद करने के बजाय कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है एंड सारे पॉइंट्स रटने के बजाय, आप ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। व्हाट डज टार इन सिगरेट स्मोक कॉज? व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ इट? व्हाट स्टिम्युलेट स्मोकर्स कॉफ? व्हाट डज इट लीड टू? सो आपको हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं और उसे ऐसे ही समझना है एंड याद करना है। इस मेथड को एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं। दिस वे आप उस इन्फॉर्मेशन को एक प्रोसेस की तरह समझते हो, सो आपके लिए उसे एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखना आसान हो जाता है। आप इस मेथड को और इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो अगर आप आंसर्स के नोट्स बनाने के बजाय क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ एंड हर क्वेश्चन के साइड में उसके आंसर का पेज नंबर लिख दो। दिस वे आप काफ़ी टाइम सेव करोगे एंड वाइल रिवाइजिंग यू कैन आस्क योरसेल्फ द सेम क्वेश्चंस टू नो अगर आपको ठीक से इन्फॉर्मेशन याद है या नहीं। अगर आप ध्यान दें तो सभी एग्जामिनर्स ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं एंड आपको उन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम में आंसर करना होता है। सो अगर आप क्वेश्चंस फ्रेम करके चीज़ें याद करोगे देन आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। सो अभी तक हमने ये जाना कि समझ के कैसे याद करते हैं, अब नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि जल्दी कैसे याद करते हैं। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। किसी भी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना करो। अनअकैडमी कॉम्बैट स्टूडेंट्स को इसी प्रोसेस में हेल्प करता है। ये हर संडे क्लास 6 से 9th एंड 11th के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये टेस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा डिजाइंड है जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये एक 60 मिनट्स का गेमिफाइड वीकली बैटल है जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे एंड हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। यहाँ आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो एंड नॉट जस्ट दैट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रनर्स को मिलेंगे स्पेशल प्राइजेस एंड टॉप 25 रैंकर्स को मिलेंगे मेरिट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अनअकैडमी। सो थ्रू दिस फन चैलेंज यू गेट टू रिवाइज, प्रैक्टिस एंड विन। ये टेस्ट लाइव होते हैं अनअकैडमी एंड्रॉयड ऐप एंड वेबसाइट पर जिसमें ऑल ओवर इंडिया से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, सो अनअकैडमी कॉम्बैट में फ्री में पार्टिसिपेट करने के लिए आप फंडा ट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FTB10 यूज़ कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कमिंग बैक टू द वीडियो, अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने स्टडी मटीरियल को जल्दी याद कर सकते हैं। दिस इज़ अ टेक्निक जो मेरी फ्रेंड ने मुझे स्टैंडर्ड 7 में बताई थी एंड माइंड यू शी वॉज अमंग्स द टॉप 4 रैंकर्स ऑफ द क्लास। मैंने उसे पूछा, यार तू याद कैसे करती है, कैसे तू पूरी बुक को इतने कम टाइम में फिनिश कर लेती है? एंड दिस इज वॉट शी सेड। उसने कहा कि खुद के लिए एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेट करो कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं ये पैराग्राफ फिनिश कर लूँगी।
ऑल्दो यहाँ वो 5 मिनट में एक पैराग्राफ को रटने की बात कर रही थी, विच इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, बट इट्स नाइस टू हैव अ सेंस ऑफ टाइम बिकॉज आप एक पैराग्राफ को याद करने में आधा घंटा या एक घंटा नहीं ले सकते. सो आई सजेस्ट यू फॉलो दिस प्रोसेस. पहले पैराग्राफ को पढ़ो एंड उसे समझने की कोशिश करो, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम करो, फिर बुक बंद करो एंड खुद से आंसर याद करने की कोशिश करो, एंड देन टेक 5 मिनट्स टू मेमोराइज इट और सील इट इन योर ब्रेन. इफ नॉट अ पैराग्राफ, देन एक चैप्टर को कितने आवर्स देने हैं वो पहले से डिसाइडेड रखो, सो दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टे ऑन ट्रैक विथ योर स्टडी प्लान. कॉमेंट्स में बताएं कि आपके नेक्स्ट एग्जाम्स कब हैं एंड आप उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हो. और हाँ, अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड.